जय जवाहरलाल, जय भीम सर। आज आपने सब लोगों ने मेरा नाम दिया और मुझे कास्ट और स्टुपिडिटी पे बोलने के लिए कहा, तो मैं एक होमर नाम का कवि है जिन्होंने महात्मा फुले का समग्र वाण्मय मराठी में जो महाराष्ट्र में प्रकाशित हुआ है उसमें की दो लाइन पढ़कर मैं आगे जो स्टुपिडिटी के बारे में बात करना चाहूंगा सर। द डे दैट रिड्यूस अ मैन स्लेवरी, द डे दैट रिड्यूस अ मैन स्लेवरी टेक्स फ्रॉम हिम दैट हाफ इज वर्च्यू। इसका मतलब है जिस दिन आदमी गुलाम बन जाता है उस दिन उसके आधे जो सद्गुण होते हैं उसी दिन वो वैनिश हो जाते हैं और बाद में जो बाकी बचे हुए हैं वो धीरे 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 वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं। तो ये एक जो ब्लाइंडनेस कवि है इसने ये जो बहुत अच्छी लाइन दी है हमें, तो सर हमें स्टुपिडिटी समाज में स्टुपिडिटी बनाने के लिए हमें अलग अलग नाम के अलग अलग इससे हमें स्टुपिडिटी बनाई हुई है। तो इसके आधार पर हमें समाज में स्टुपिडिटी बनाने के लिए जो अशोका के काल में वो सब कुछ ओपन था, लेकिन ये अभी जो मनुवादी जो काल है ये काल में हमें मूर्खता बनाने के लिए हमारे पीछे कुछ अलग अलग सोचने के लिए हमें मजबूर किया। और ये मजबूर इसलिए किया कि अशोका के काल के बाद हमें जो एजुकेशन मिलना था वो मिला नहीं, और एजुकेशन मिलने न मिलने की वजह से हमारा समाज जो है बहुजन समाज ये धीरे 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 स्टुपिडिटी की ओर चलता गया, और स्टुपिडिटी की ओर चलने के बाद हमारे पीछे इन लोगों ने मनुवादी लोगों ने ज्ञान बंदी, धन बंदी, काम करने की बंदी, बेटी बंदी, रोटी बंदी, पर्स बंदी, शस्त्र बंदी, ये सब कुछ बंदी लगा लगा के हमें सीमित किया, हमें एक जगह पे सीमित किया। और हमारी जो सोचने की जो क्षमता है वो क्षमता धीरे 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 हमारी कम होती गई। इसकी वजह है कि हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, इसकी वजह से हम ये कास्ट की ये जाति नीची वो जाति नीची ऐसा ये वैसा इसकी भानगर इसकी इसमें हम फंस गए। और ये फंसने की वजह से हमारे दिमाग में जो कास्ट का जो ये है वो आज तक जैसा कि वैसा पड़ा हुआ है। इसीलिए हमें आज के 21 सेंचुरी में हमें ये कास्ट के बाजू जाके एक मानवता ये मानवता हमें समझनी चाहिए। और ये मानवता समझाने के लिए हमें सम्राट अशोक का जो राज था, सम्राट अशोक के राज में जो न्याय व्यवस्था थी वो न्याय व्यवस्था समाज में जाके उनको सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि सम्राट अशोक के काल में ऐसी ऐसी न्याय व्यवस्था थी वो आज हमें नहीं मिल रही है। और न मिलने के कारण ये मनुवादी लोग हमारे दिमाग में अलग अलग वजह से अलग अलग मार्ग से हमारे दिमाग में जाति व्यवस्था ये सोच के भरते रहते हैं। और इससे दूर रहने के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे सेवालाल महाराज, बोधिज्म, उसके बाद में अम्बेडकराइज्म, ये सब लोगों ने जो महापुरुष होके गए, ये महापुरुषों के जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत हमें समाज में जाके समाज में सोचने के लिए समझने के लिए समाज को मजबूर करना पड़ेगा, और हमें फ्रंट पे जाके समाज को ये बताना पड़ेगा। सर आज के लिए इतना ही बोल सकता हूँ।
नेक्स्ट टाइम में कल के बाद और आप कह रहे थे मुझे बोल नहीं पाऊंगा, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया तो कोई बोल नहीं सकता, जो जितना बढ़िया आप बोले इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया, वेरी गुड, थैंक यू।